भोजपुरी सिनेमा के जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आज सोशल मीडिया के जरिए सबसे पहले आज विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं अपने दर्शकों को देते हुए एक पोस्टर शेयर किया। साथ ही उन्होंने कैप्शन बॉक्स में लिखा हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। तो वहीं इससे पहले दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भोजपुरी फिल्म को लेकर के एक खास प्रचार करते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, निरहुआ ने भोजपुरी फिल्मों के लिए एक चैनल का प्रचार किया जिस पर भोजपुरी की फिल्में दर्शक बार बार देख पाएंगे। जी हाँ, कई भोजपुरी फिल्म में पहली बार भी दर्शकों को उस टीवी चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। और इसी की बात की जानकारी देते हुए निरहुआ ने एक पोस्टर शेयर किया, साथ ही कैप्शन बॉक्स में लिखा टाटा स्काई #4x1 रिपीट #TataSky#1111#Bhojpuri Cinema #free यानी कि दर्शक अब भोजपुरी फिल्मों का आनंद घर बैठे ले सकते हैं, वो भी फ्री में, जिस खुशखबरी को निरहुआ ने अपने दर्शकों के तक पहुंचाने की कोशिश की। वेल, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसी के साथ हाल ही में निरहुआ ने अपने दो नए फिल्में वंदे मातरम और पटना से पाकिस्तान पार्ट 2 को साइन किया। साथ ही दुर्गा पूजा पर भी अपनी वो धमाकेदार फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम न्यूज भोजपुरिया से प्रियंका की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।